हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जॉब तैयारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स पार्ट 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगामी एग्जाम्स, जैसे रेलवे का एग्जाम्स आ रहा है, तो रेलवे के लिए तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, साबित होगा ये कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, अब अभी हमने SSC CHSL देखा था तो उसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछी गई थी, लगभग 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ऐसे ही रेलवे में भी, तो रेलवे में भी कम से कम 10 क्वेश्चन मिलने की संभावना है करंट अफेयर्स से। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिनवैक्स ये दिया है, बिनवैक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ। तो किन दो देशों के बीच हुआ, भारत और वियतनाम। तो फ्रेंड्स, ये भारत और वियतनाम के बीच बिनवैक्स युद्ध अभ्यास हुआ था। तो ये वो कंट्री थी हमारी, भारत और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में छतों पर लगने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजना चालू की है। तो वो कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल एवं गैस के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स वो क्या है, इजराइल। और किसके लिए मंजूरी दी है फ्रेंड्स, तेल एवं गैस क्षेत्र। किसके लिए, तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए, तो इन्होंने मंजूरी दे दी है और वो इजराइल के साथ। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिलासपुर, ये हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स, में नए एम्स की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें लागत कितनी आएगी, वो आएगी 1,1351 करोड़। कितनी, 1,351 करोड़ की लागत आएगी, और ये बनेगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ भूमि सीमा पार करने के संबंध में समझौते को मंजूरी दे दी है। तो वो कौन सा देश है, म्यांमार। मतलब हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भूमि सीमा पर पार करने के संबंध में तो उसको मंजूरी दे दी है, और वो कौन से देश के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा म्यांमार। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की नौसेना ने स्वदेश में निर्मित हरवा, ये फ्रेंड्स याद रखना है, हरवा नौसैन्य क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वो कौन सा देश है हमारा, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसने एक हरवा मिसाइल का परीक्षण किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के तहत ओडिशा को सिंचाई और ग्रामीण पुल परियोजना के लिए कितने ऋण की, या ऋण दिया हुआ है, कितने ऋण की सहायता प्रदान की है। तो वो ऋण कितना होगा, 372.51 करोड़। ये फ्रेंड्स कितना ऋण हो जाएगा, 372.51 करोड़ की जो राशि किसने दी है, नाबार्ड ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के तहत ओडिशा को दी है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे अगला क्वेश्चन हमारा कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण भारत में डेस्कटॉप ATM आरंभ किया है, यह किस बैंक के द्वारा प्रायोजित है। तो किस बैंक के द्वारा, SBI, मतलब भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि किस राज्य ने भारत के विज्ञान फिल्म समारोह के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। तो तीसरे संस्करण की मेजबानी किसने की है, गोवा ने की है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस पोर्ट ट्रस्ट ने समुद्र मंथन कैरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो किस पोर्ट ने, पोर्ट्स होता है फ्रेंड्स हमारा बंदरगाह, जहाँ पे जहाज वगैरह हमारे रुकते हैं, तो वो होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का दूसरा नाम क्या है, इस पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं न्यावा सावा। ये मुंबई में है, और ये जो मुंबई का पोर्ट है उसकी हेल्प के लिए ये बनाया गया है, नया पोर्ट है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में की अनुमानित लागत पर एशिया की सबसे लंबी द्वि दिशात्मक जोजिला पास सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये जोजिला दर्रा है जो हमारा पास, उसमें एक सुरंग बनेगी, उसके लिए मंजूरी दे दी है। अब उसका खर्चा कितना आएगा फ्रेंड्स, तो उसका खर्चा कितना आएगा, 6,809 करोड़ रुपए। उसका खर्चा है
6,908 करोड़ रुपए। तो ये फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि कहाँ पे बनेगी, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बनेगी। कौन सा दर्रे में बनेगी, तो कौन सा दर्रा है, जोजिला पास तुरंग, मतलब जोजिला दर्रे को पास करती हुई। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द बैंकर के अनुसार भारतीय मूल के बैंकर का नाम क्या है जिनको 2018 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया है, तो वो कौन है, रवि मेनन। फ्रेंड्स ये रवि मेनन है, इनको सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया है 2018 के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य ने 2022 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ होस्ट सिटी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, क्या फ्रेंड्स, होस्ट सिटी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो वो कौन सा हमारा राज्य है, मेघालय। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किसने मेघालय के रीभोई जिले के देहल में 40 मेगावाट उमतरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन किया है, तो किसने किया, मुकुल संगमा ने। ये मेघालय में इन्होंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक 40 मेगावाट का उमतरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है उसका उद्घाटन किया है, और उद्घाटन किसने किया है, मुकुल संगमा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, रेलवे में पूछ लिया जाएगा, रेलवे के लिए तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट हो जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है कि मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तेलंगाना में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है फिजी की राजधानी क्या है, तो फिजी की राजधानी क्या है, शुबा। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो हैदराबाद किस नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि किसको जम्मू में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठ के लिए पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है हमारा मुफ्ती मोहम्मद। ओके फ्रेंड्स, तो क्या लिखा है, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, नीतीश कुमार। अब फ्रेंड्स पूछा जाता है नीतीश कुमार कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बिहार के, कहाँ के हैं फ्रेंड्स, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, नीतीश कुमार। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा डेलाइट के रूप के साथ विकसित लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो कौन सा राज्य है वो, गुजरात। ये हमारा विकसित, अब गुजरात किस में रहा है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट के सूचकांक में सबसे टॉप में रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसको आधिकारिक तौर पर सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ ले, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्रांड एम्बेसडर तो किसी भी राज्य का बना हो उसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कौन है फ्रेंड्स, ए आर रहमान। ए आर रहमान को सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला, किसने पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला बहु पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष राष्ट्र को समर्पित किया है, तो किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है कि जो हमारा बहु पेटा प्लॉक्स फ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष, इसका नाम फ्रेंड्स याद रखना है, उस अब नाम पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है उसका, तो प्रत्युष हो जाएगा, जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को समर्पित किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के अभिनेता का नाम क्या है जिनको गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, अजीज अंसारी। इनको मतलब ये एक पुरस्कार मिला था जिनका जिसका नाम था गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर चुना गया था। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में हमारा किया जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी, ये कौन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है कि कौन सा राज्य हाई रिस्क प्रेगनेंसी एचआरपी पोर्टल लॉन्च करने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने जिससे उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था मामलों की जल्द पहचान करने में सहायता मिलेगी। तो वो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? हरियाणा। हरियाणा ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल। लॉन्च करने वाला भारत का ये कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहला राज्य बना है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य। ओके फ्रेंड्स, जो पोर्टल है ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल है, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? हमारा हरियाणा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन टेस्ट मैचों में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। तो कौन बन गए? एलिस्टर कुक। एलिस्टर कुक सबसे युवा प्लेयर हैं जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किसने राजस्थान के उदयपुर में 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? अनंत कुमार ने। किसका उद्घाटन किया? 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है कि हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 किस देश में आयोजित हुआ है? तो हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये किस देश में आयोजित हुआ है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो वो कौन सी? हमारी इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक के साथ पेमेंट्स जो हमारा पेटीएम चल रहा है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उसने क्या किया है? फिक्स डिपॉजिट की सुविधा के लिए एक भागीदारी, मतलब उसके साथ भागीदारी की है। जो बैंक है उस बैंक का नाम क्या है? इंडस इंड बैंक। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है हमारा कि निगेरिया की राजधानी क्या है? निगेरिया की राजधानी क्या है? तो निगेरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कि अटल पेंशन योजना APY 80 लाख के ग्राहक आधार पर पहुंच गई है। निम्न में से कौन सा राज्य APY में उच्चतम योगदान वाला राज्य है? तो वो कौन सा राज्य है? हमारा उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो अटल पेंशन योजना में 80 लाख ग्राहकों हो गए हैं उसमें सबसे ज्यादा कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है फिनटेक स्टार्टअप नियर वॉय, फिनटेक्स स्टार्टअप नियर वॉय टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने आधार सक्षम कार्ड रहित और पिन रहित ATM सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो कौन सी बैंक है? हमारी यस बैंक। ओके फ्रेंड्स, ये फिनटेक स्टार्टअप नियर वॉय टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक बैंक, मतलब एक कार्ड इशू किया है जो आधार, मतलब कार्ड इशू किया है जो पिन रहित होगा, उसमें पिन की कोई जरूरत नहीं होगी, वो उसको यस बैंक से उन्होंने करार किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक विश्व पुस्तक मेले में के 26वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 26वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में, और ये पुस्तक मेला होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये पुस्तक मेला नई दिल्ली में लगाया जाएगा और इसका संस्करण कौन सा होगा? 26वां। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि किसने सिंगापुर में आशियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया है? सिंगापुर में, तो किसने किया है? नितिन गडकरी ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने क्या किया है कि भारतीय सिंगापुर में भारत प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया है? किसने? नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था तक बढ़ जाएगी, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो वृद्धि दर होगी वो कितनी होगी? 6.5%। ओके फ्रेंड्स, कितनी होगी? 6.5%। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि पाकिस्तान वायुसेना के पूर्व प्रमुख और अनुभवी राजनेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम क्या है? असगर खान। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व प्रमुख थे और कौन थे वहां के? एक फेमस राजनेता जिनका नाम था असगर खान, उनका क्या हो गया? अभी निधन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने राजस्थान राज्य सरकार के साथ राज्य में स्टार्टअप की शुरुआत की बढ़ावा देने और उसकी घोषणा के उसके पोषण के लिए एक साझेदारी की है? मतलब फ्रेंड्स दिया हुआ है कि किस बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ राज्य में स्टार्टअप की शुरुआत की को बढ़ावा दिया है और उनके पोषण के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सी बैंक के साथ किया राजस्थान राज्य ने? तो ये है हमारी HDFC बैंक। कौन सी फ्रेंड्स?
HDFC बैंक। ओके आगे क्वेश्चन दिया अगला कि HSBC ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में और 2018-19 में भारत की GDP वृद्धि दर में का अनुमान लगाया है। तो मतलब 2017-18 की उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो है फ्रेंड्स 6.5%, और जो 18-19 का एवरेज है उनका GDP वृद्धि दर का वो कितना है 7%। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि किसने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वो कौन है? पंकज जैन। पंकज जैन ने अभी कार्यभार संभाला है IIFCL में, जिसका नाम है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स तो इसका अभी इन्होंने कार्यभार संभाला है और जिनका नाम है हमारा पंकज जैन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, L&T शिपयार्ड ने अपने दूसरे स्वदेश निर्मित तटरक्षक अपतटीय गस्ती पोत OPV का अनावरण तमिलनाडु के कटप्पल्ली शिपयार्ड में किया है। कहाँ पे किया है? कटप्पल्ली। और फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कटप्पल्ली कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स अब एक शिपयार्ड है उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है उसका? विजया। तो विजया का इन्होंने कटप्पल्ली शिपयार्ड में क्या किया? अनावरण किया है, जो तमिलनाडु में है। ओके फ्रेंड्स आगे है कि ईरान का राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान का राष्ट्रपति कौन है? हसन रोहानी। हसन रोहानी कौन है? ईरान का राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला दिया है किसको बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से? किसको किया गया? प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण को जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके फ्रेंड्स उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। अगला दिया है हमारा कि यूनेस्को के चीफ का क्या नाम है? मतलब फ्रेंड्स ये पूछा जाता है यूनेस्को के चीफ का नाम क्या है? तो क्या है? ऑड्रे अजौले। फ्रेंड्स क्या नाम है? ऑड्रे अजौले या फिर ऑड्री अजौले उनका नाम है। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस या भारत में विश्व खाद्य दिवस या प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि मेन सिंगल्स या पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर ने। तो फ्रेंड्स रोजर फेडरर ने अभी ऑस्ट्रेलियन सिंगल मतलब मेन सिंगल्स या फिर पुरुष एकल में जो खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का उस किसने जीता है? रोजर फेडरर ने। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है कि कैरोलाइन वॉजनिक्की ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल खिताब जीता है वह कहाँ से है? डेनमार्क। अब फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि महिला एकल किसने जीता है तो वो हो जाएंगे कैरोलाइन वॉजनिक्की, और अगर पूछा जाए पुरुष एकल किसने जीता है तो वो हो जाएगा हमारा रोजर फेडरर। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है कि विदेश सचिव का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो विदेश सचिव का कार्यभार किसे सौंपा गया है? विजय केशव गोखले। तो विजय केशव गोखले को फ्रेंड्स अभी विदेश सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। ओके फ्रेंड्स तो ये फ्रेंड्स हमारे थे 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और ये आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक करना ना भूलें, और आप अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन पर क्लिक करें जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। थैंक यू।